નમસ્કાર દર્શક મિત્રો અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે આજે આપણી સાથે છે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ કે જે પોતાની વાતોથી પોતાના અનુભવોથી અનેકો લોકોના જીવનમાં બદલાવ લાવે છે સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ તરીકે ઓળખાતા ગ્રેટ અવેકનિંગ નામના સતત કાર્યક્રમોને યુટ્યુબ પર એમના પોતાની વાતો કહીને જે બહુ જ પ્રચલિત થયા છે અમદાવાદમાં તેઓ પહેલી વખત આવ્યા છે प्रवीण भाटिया जी हमारी साथ है प्रवीण जी आपका स्वागत है थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी सबसे पहले तो ये लाइफ कोच जो अपने आप को बहुत लोग कहते हैं तो ये होता क्या लाइफ कोच की मेरे हिसाब से बहुत सारी डिग्रीज कभी तक किसी ने दी नहीं है व्हाट इज द लाइफ कोच क्योंकि ये कहता है कि हम लाइफ कोच है ये कहते हैं हम लाइफ कोच है होता क्या है लाइफ कोच का रोल क्या होता है सो बेसिकली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कोई ना कोई उनका एस्पेक्ट बिगड़ा हुआ होता है सो देर आर डिफरेंट लाइफ कोचेज इट कम्स ऑफ दम्ब्रेलापरिचुअलिटी आई वुड से न्यू एज स्परिचुअलिटी इट्स नॉट रियल स्परिचुअलिटी बट एनी हाउ पीपल उसको कन्वि सोचते हैं कि ये स्परिचुअलिटी का हिस्सा है लेकिन इतना बड़ा हिस्सा नहीं है अच्छा तो कनेक्ट करने के लिए आपने बोला कि न्यू वर्ल्ड स्परिचुअलिटी है तो ये यही हुआ बात सीधी स्परिचुअलिटी पर आ जाता है जी कई बार देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे लोग इतने सारे तरीके इतने सारे स्थान लोग कंफ्यूज होते हैं कि yes. सही में क्या है सही रास्ता कौन सा है सही केंद्र बिंदु क्या है तो ये क्या ऐसा माना जाए कि एक ही जगह पे पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं? इसको हम इस तरह कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है जो डिस्ट्रैक्शन है वो उस जगह पहुंचा नहीं सकता जाना इस डायरेक्शन में है लेकिन डायरेक्शन यूं की हुई है तो कभी नहीं पहुंचेंगे इस स्परिचुअलिटी में बहुत सारा मैनिपुलेशन है लेकिन ये बात आपकी सही है कि अल्टीमेटली गोल एक ही जगह पहुंचने का है वो किसी भी धर्म के थ्रू हो या स्पिरिचुअलिटी के किसी भी तरीके में हो और बेसिकली क्या है स्पिरिचुअलिटी मेरी शब्दों में बहुत आसान है मैं कौन हूँ हु एम आई ये जानना कि मैं कौन हूँ जिसकी भी क्वेस्ट इस तरफ लग जाएगी वो सही जगह पहुंच जाएगा ग्रेट अवेकनिंग मेरे हिसाब से ये टाइटल आपने जब से लोगों के सामने रखा बहुत सारे लोग ये टाइटल से ही प्रभावित हुए थे उनको लगा कि ये कुछ होगा अंदर लेकिन ये अंदर होगा उससे पहले प्रवीण जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी प्रवीण जी को भी अपने आप से बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी कोई भी इंसान पैदाइशी तो ग्रेट अवेकनिंग के मोड में पैदा नहीं होता तो ये सही में अवेकनिंग या तो ग्रेट अवेकनिंग प्रवीण जी को कब महसूस हुआ था जी मेरे लिए तो अवेकनिंग ही है ग्रेट अवेकनिंग हम इसको कलेक्टिव सेंस में कहते हैं क्योंकि ग्लोबली कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है मेरी अवेकनिंग इनफैक्ट धरती पे कॉन्शियसनेस का एक शिफ्ट हो रहा है बहुत सारे लोग जो ये मानते थे कि 2012 में धरती का अंत हो जाएगा पुरानी सभ्यता का अंत हो जाएगा माया कैलेंडर ख़त्म हो रहा है वो समय से एक कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है मैं उससे पहले कुछ मेरी स्टार्ट हुई 2008 में नॉर्मली जीवन था बैंक में मैं जॉब करता था एंड सो ऑन जैसे दुनियादारी चलती है वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है तो वहाँ से मैंने शुरुआत की लेकिन प्रोसेस नॉर्मली स्लो होते हैं करते करते टू थाउजेंड फिफ्टीन तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि मेरा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि रास्ते इतने सारे हैं डिफरेंट रास्तों पे मैं चला कि ये शायद सही हो शायद ये सही हो फाइनली मुझे जब अवेकनिंग हुई आई नाव आई नो कि वो सब उस तैयारी का हिस्सा था बेसिकली मेरी टू ऑनवर्ड्स अवेकनिंग जिसको मैं कह सकता हूँ टू की बात बताई यानी सोलह साल पहले तो प्रवीण जी सोलह साल पहले हुआ था क्या कैसे आए अंदर उससे पहले तो आराम से मस्ती से जीवन जीना होता था

गुड थिंग भी कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी hmm. मैं बिना एक्सपेक्टेशंस के वहाँ गया उन्होंने कहा कि यहाँ पे किताब मूवी मोबाइल सब कुछ आप रख दो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते ओके okay? सब दे दिया टेन डेज मौन में रहना आंखों से बात भी नहीं करनी अंतर्मुखी हुए जब अंतर्मुखी हुए तो एट नाइन टेन डेज ब्लिस का अनुभव हुआ आनंद का अनुभव हुआ जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं था hmm. लोग सोचते हैं खाने से खुशी मिल जाएगी कार से खुशी मिल जाएगी कुछ भी नहीं था सब कुछ उन्होंने दस का दिन का जो अनुभव था उसने मुझे इसकी और बहुत तेजी से आकर्षित किया ओके okay, तो चलो टू से पहले की जर्मनी वाली बात आपकी जानना चाहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कम जगह आपने बताया कि पूरी जर्नी कैसे हुई बचपन कहाँ था जवानी कहाँ हुई फैमिली क्या है जी, और जर्मनी कैसे पहुंचा बहुत सिंपल बैकग्राउंड फादर और इससे पहले ग्रैंड फादर मेरे पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे एंड मेरे दादा दादी इंडिया नहीं पहुंच पाए मेरे ताया जी जो चौदह साल के थे और मेरे फादर तीन साल के थे और एक भाई और था उनके लिए स्ट्रगल का समय था उनकी कहानियाँ सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे बच्चों को ये संघर्ष ना करना पड़े तो पढ़ाई की बैंक में जॉब कर लिया नॉर्मली ज़िंदगी ऐसे चलती रही जो टर्निंग पॉइंट थी लेकिन अगर मैं अब देखता हूँ अपने जीवन को पीछे मुड़ के हुँ. तो वो सब मुझे उस और खींच रहे थे जैसे आपने एक शब्द पूछा था कि आपने बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी मुझे ज़िंदगी में चीज़ें अपने आप मेरे पास आई मशक्कत कम करनी पड़ी हुँ. इसका बहुत फ़ायदा हुआ हुँ. किसी को कोई भी चीज़ जब मशक्क़त से मिलती है तो वो उसको बहुत प्यार से सहेज के रखता है उससे वो आइडेंटिफाइड हो जाता है उसके अहंकार पे एक लेवल लग जाता है मुझे ये चीज़ मैं करता हूँ मैंने बड़ी मेहनत से पाई है मेरे पास आसानी से आती गई इसलिए आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन कम हुआ और फादर रिलीजियस पर्सन थे लेकिन रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है वो रिलीजियस पर्सन थे मैंने देखा कि वो जो रिलीजियस में करते हैं उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस उनके चेतना के विकास में नहीं हो रहा तो ये सब बातें मेरे दिमाग में थी लेकिन जो अच्छा पॉइंट हुआ मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी उस समय जर्मनी में चला गया और थोड़े समय बाद वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा उस स्ट्रगल ने मुझे बहुत मजबूत किया वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था इससे पहले शायद मैं एरोगेंट था क्योंकि बड़ा बेटा था और पूरी सोसाइटी में रिलेटिव्स में मुझे एक ओबीडियट और परफेक्ट माना जाता था समाज की जो आइडियल है उसका मैं एक तरह से प्रतीक था समाज के आइडियल होने का जब वो टूटे आइडेंटिटी टूटी एरोगेंट टूटी तब उसको हम पा पाए जिसकी मुझे जरूरत थी तो टू का वही फेज था जब मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था सो रियल अवेकनिंग हम वही बोल सकते हैं कि आदमी को अपने बारे में जो भी गलत चीजें हैं वो या तो फाइंड आउट करे और फाइंड आउट करने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करे या तो फिर क्या ऐसे ऊपर वाला सिचुएशन बनाता ही है कि एक दिन ऐसा देता है कि जो आपको आपका गुरूर है वो तोड़ ही देता है यस yes. इसकी चेतना की जर्नी को कई तरीके से देखा जा सकता है नापने की मशीन भी आजकल बनने लगी है क्योंकि ह्यूमन बहुत फाइन होता जा रहा है फाइन मशीनें इनको मेज़र कर सकती हैं वाइब्स को लेकिन एक चेतना की जर्नी को नापने का तरीका है टेरेट कार्ड उसमें जो फिफ्टीथ कार्ड है उसमें एक टावर है वो टावर उस आदमी ने ईंट ईंट लगा के बड़ी मेहनत से बनाई टावर काफ़ी ऊँची और वो ब्रेक होती है दो लोग गिरते हैं एक मर जाता है दूसरा सर्वाइव कर जाता है कुछ लोगों को बनी हुई टावर का गिरना जरूरी है मेरे लिए जरूरी था अगर मेरे लिए नहीं गिरती तो मैं अपने आप तोड़ने की भी क्षमता नहीं थी अर्जुन के लिए जरूरी था एक राजा उसको भीख मांगनी पड़े एक वीर पुरुष को ट्रांसजेंडर बन के रहना पड़े एक साल तक और उसके बाद उसको इस गंभीर स्थिति में ले आए जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है पिता महाभीष्म को अपने या अपने गुरु को उनके साथ स्ट्रगल करना पड़े ये इसी का प्रतीक है तो मेरे केस में जरूरी था लेकिन मैं समझता हूं सबके केस में जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आप बहुत संघर्ष से सीखें संघर्ष के बिना भी लेकिन लेकिन संघर्ष के साथ और या तो ऐसी कोई चोट लगने के बाद जब ऊपर आता है अभी जो एक टिपिकल वर्ड यूथ में चला कि किक लगनी चाहिए और किक इंसल्ट होती है तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा किक लगती है yes. बात, बात, बात 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 यही पे रोकूंगा वक्त हुआ छोटे से ब्रेक आदर्शक मित्रों विराम बाद बात कर इशू बीजा तबाकानी प्रवीण जी साथ है किक लगना जरूरी है और किक तभी लगती है जब इंसल्ट होता है उसके बाद जो रिएक्शन आप कैसा करोगे ये डिपेंड करता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे लोग जो उसके वेरिएशन है वो सब झूठ है विरम बात ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં પ્રવીણજી આપને બતાયા કે કિક વહી સે શુરુ કરતે આપ કુછ બતા રહે કે કિક લગના જરૂરી ઓર કિક તભી લગતી હે જબ ઇન્સલ્ટ હોતા હે યસ કિક કે લેકિન જો કિક તો લગી ઉસકે બાદ જો reaction આપ કેસા કરોગે યે डिपेंड કરતા હે કિક કે બાદ અગર આપ ચલે ગયે કે મુજે બદલા લેના હે મુજે સાબિત karna હે એક્ઝેક્ટલી then ઉસકે કાસર સ્પિરિચ્યુઅલિટી મે નહીં હોગા હો સકતા હે આપ કુછ અચીવ કરકે દિખા દો સમાજ કો લેકિન અચીવમેન્ટ સ્પિરિચ્યુઅલિટી મે आपको किक लगी और आपको गीता का ज्ञान मिल जाए इतनी किक लगे सब लोग नहीं ले पाते तो किक हमेशा इफेक्टिव नहीं होती लेकिन कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव होती है है और जरूरी ओके okay. चलो अभी वापस आ जाते हैं वही जो आपके प्रोग्राम के बारे में ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे लोग एक अलग अलग टाइटल से अपने शिविर चलाते सेमिनार्स चलाते सब बोलते कि हम अलग है बाकी से अलग है तो ये ये तो वो वाला हो गया कि जैसे कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो उससे पहले जब उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर या तो फिल्म स्टार से पूछा जाता है कि आपके फिल्म के बोले फिल्म थोड़ी हटके है तो ये <laughs> हे क्या जी। सी यही बेसिकली जो सत्य है वो एक होना चाहिए जो उसके वेरिएशन है वो सब झूठ है सत्य तो एक ही होना चाहिए लेकिन डिफरेंट रास्ते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने जब इस रास्ते में 2008 के लिए के बाद मैंने अपने लिए रास्ता ढूंढा तो मैं डिफरेंट जगह गया तब मैंने इसके बहुत सारे भ्रम देखे बहुत सारे रास्ते मैं कहता हूँ 80 टू 90 परसेंट फ्रॉड है मैं ये कहता हूँ तो लोग सोचते होंगे कि अपने आप को अच्छा कहने के लिए वो भी तो यही कह रहे हैं कि मेरा सही है फिर आपकी बात में अंतर क्या है लेकिन आप एक स्टेज पर जाके देखोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ आ जाएगा लेकिन उनका भी एक पर्पस है जैसे वाइब है एक वाइब को वो अट्रैक्ट करती है या आप उल्ट, इसका उल्टा कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो कलेक्टिव मास है वो उनको क्रिएट करता है उनको एक्सपीरियंस करने के लिए तो उसके थ्रू वो इवॉल्व होता है वो उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है फिर फाइनली वो वहाँ पहुँच पाता है जो उसके लिए तो प्रवीण जी यहाँ पर ये आपकी बात को मैं थोड़ा अगर आगे ले जाऊँ तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी चीज जो कोई अच्छे आशय से कोई बंदा शुरू करता है या तो कोई ग्रुप शुरू करता है लेकिन एक वक्त के बाद वो इंस्टीट्यूट वो संस्था या तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तब वेस्टेज इंटरेस्ट थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक अर्थ में जिसको हम कलयुग कहते हैं या डार्क एज कहते हैं इस एज की एक पावर है ये पावर करप्ट कर देती है जैसे पॉलिटिक्स में जो भी लोग आए उसमें कई लोग बहुत अच्छे मोटिव से आए आई जो लोग बने उनके बहुत अच्छे मोटिव थे सेम वे विद द डॉक्टर्स वो लोगों का इलाज करना चाहते थे लोगों को जीवन देना चाहते थे लेकिन करप्ट हो गए क्योंकि सिस्टम करप्ट था दे बिकेम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सी इट हैपन्स टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्परिचुअलिटी वो लोग शायद शुरुआत में अच्छा बनना चाहते हो लेकिन जब जब सिस्टम ने उनको करप्ट कर दिया आप देखो कि भारत एक भारत एक, एक सेकुलर देश है आप इसमें स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ कर नहीं सकते अगर आप डोनेशन लेना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जब आप ट्रस्ट बनाते हो फिर उसकी गाइडलाइंस हैं उसमें फिर रास्ते निकालने पड़ते हैं इसीलिए जब भी हम बड़े बनते हैं उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जब वो कंप्रोमाइज़ होते हैं तो वो सिस्टम धीरे धीरे करप्ट होना हो जाता है और ये सच का रास्ता है इस सच में थोड़ा भी करप्शन उसको आगे चलने में बहुत बड़ा करप्ट कर देता है वो अपनी जगह से मूल उद्देश्य से डेवेट हो जाते हैं इसलिए मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो प्रवीण जी इस गंदगी से दूर रहने के लिए क्योंकि अगर आपको समझ है कि आने वाले दिनों में यह हो सकता है तो उसके लिए आपने क्या डिजाइन बनाया क्योंकि ये भी संस्था भी धीरे धीरे बहुत बड़ी होने जा रही है तो क्या इसमें भी ये चीज को रोकने के लिए क्या प्रवीण जी ने अपना कुछ मूल मंत्र दिया है बाकी जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं आपसे जुड़ते हैं या तो आपने आपको खुद को जी. मेरी जो गुरु थी उन्होंने के इंसिस्ट करने पे मैंने बोलना शुरू किया मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और पब्लिक में बोलना मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने बोला तो उनकी बात मैंने एक महीने मानी उनसे एक प्रॉमिस मैंने लिया कि जब भी कभी आपको लगेगा कि मैं एक मिली भी डेबेट हो गया हूँ उस दिन आप मुझे वान कर देना मैं उस दिन सब छोड़ दूँगा ये कमिटमेंट मेरा अपने साथ है तो मैं उसी दिन सब छोड़ दूंगा जिस दिन भी मुझे लगा कि मैं डेबेट होना शुरू हो गया क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये कॉस्ट इस समय एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है उस शिफ्ट में हम एक जीवन में मुक्त हो सकते हैं इतनी बड़ी चीज जो मुक्ति मिल रही है उसके लिए अगर थोड़ा सा मेरा प्रचार हो जाए थोड़ा सा नाम हो जाए या मैं बड़ा हो जाऊँ ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है मेरे लिए पे करना इसलिए मैं नहीं मैं इमीडिएटली छोड़ दी गुरु के बारे में बताइए कुछ आपने बताया कि उनको मैंने बोल दिया <coughs> कौन गुरु किसको मानते हैं मैं दो गुरु को मानता हूँ मेरी जो मेन प्रैक्टिस थी वो क्रिया योग है इंडिया में बहुत लोग करते हैं बहुत फेमस है अभी तक ये टेक्निक बहुत हिमालय के माओ करते थे गृहस्थ लोग भी करते हैं उनको सारी सिक्स क्रिया हाइएस्ट इसमें छः क्रियाएँ हैं हाइएस्ट क्रिया बहुत कम लोग करते हैं उनको सारी क्रिया नॉन फिज़िकल फॉर्म में मिली दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइन प्ले उनको सारी क्रिया जब मिली तो उन्होंने वो क्रिया मुझे वन बाय वन दे दी तो उस क्रिया की मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मेरी गुरु हैं और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि डिवाइन प्लान इतना परफेक्ट है जैसे मुझे सारी चीज़ें मैंने पहले का मशक्क़त से नहीं मिली वो जापान में पैदा हुई जर्मनी में शिफ्ट हुई मैं इंडिया में पैदा हुआ और मेरे परिवार का पहला पर्सन कभी कोई नेपाल भी नहीं गया मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ अपनी सिक्योर बैंक का जॉब छोड़ के वहाँ पर हम लोग मिले और उस उत, उनकी ये नॉलेज मुझे मिली और आसानी से मिली वो मेरी गुरु हैं मेंटर हैं उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई तो ये ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जापानीज एक इंडियन दोनों मिले जर्मनी में जी पर वहां से वो बात अगेन वापस आ रही है हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी पे दावा किया जाता है भारतवर्ष का कि ये भारतवर्ष ने दिया हुआ वरदान है पूरे विश्व को आपने इसमें बहुत सारा अभ्यास भी किया है क्या क्या बताएंगे लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी का रियल जो सेंटर था या तो एक वक्त पे बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में

इसीलिए तुम्हें धरती से काट के एक आइलैंड में रखा गया है मैशिया लोगों से मिला मेरे दोस्त हैं वो ईरान के लोगों में बताते थे कि ईरान के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं सुन्नी लोग कहते थे कि इराक है क्रिश्चियनिटी कहती है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये इस मैनिपुलेशन की वजह से इसका एक उद्देश्य है तार के एज में लड़ाई होती रहनी चाहिए डिवाइड एंड रूल चलते रहना चाहिए लोग डिस्ट्रैक्ट रहने चाहिए अदरवाइज हर एक के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीच है हर एक अपने आप पा सकता है तो उसमें एक भाव डाल देना कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो ऐसे ही मैं इसको एक भाव के रूप में डालता हूँ एक मैनिपुलेशन हुआ अदरवाइज क्या है हम सब एक ही संतान है एक ही ईश्वर की संतान है अगर एक ही ईश्वर की संतान है तो सब जगह एक साथ सब एक जैसे हैं लेकिन ये भाव कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये लड़ने पे मजबूर करता है और स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें उसका एसेंस लेना है और अपने एसेंस को हम शेयर कर सकते हैं ओके okay. आप माया और इल्यूजन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत अच्छी इतना असली लगता है कि हम उसको असली और नकली में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो माया क्या है मान लो सपना है जब हम सपने के अंदर है तो सपना कितना रियल लगता है कितना भी डरावना हो या कितना भी अच्छा हो वो रियल लगता है उसके भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं लेकिन जब हम जागते हैं तो हम हंसते हैं कि अरे दैट वॉज नॉट रियल सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब नकली है ये माया है तो आप कहोगे क्या चीज नकली है दर्द भी होता है बीमार भी होते हैं मेरे बच्चे हैं मकान है ये स्टूडियो है जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं नकली कैसे हो सकता है बिकॉज़ वी आर इन टू द ड्रीम वी आर इन टू ए सिमुलेशन टू एक्सपीरियंस समथिंग ये हमारा स्वरूप नहीं है असल में ह्यूमन इतना पावरफुल है ह्यूमन क्रिएटर है आम ब्रह्मास्मी जो सेंटर ईश्वर जिसको आप कहते हो उसकी कंप्लीट नॉलेज है हमारे अंदर लेकिन ईश्वर के पास अगर सब कुछ है अवेंडेंस है बीमार नहीं हो सकता उसका एक्सट्रीम क्या होगा ये एक्सपीरियंस करने के लिए वो इस सिमुलेशन में आया ही क्रिएटेड दिस ही वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि अगर मुझे डर लोग कहते डर क्या है ईश्वर निर्भीक है हम सब ईश्वर के संतान हैं लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस सिमुलेशन में इसलिए इसको हम माया कहते हैं इट्स नॉट रियल लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब हम कंप्लीट भूल जाएं जो हम हैं कंप्लीट हम भूल के कंप्लीट फॉरगेटफुल वी आर एक्सपीरियंसिंग एंजॉइंग और सफरिंग सफरिंग एंड पेन बोथ आर रियल इट्स इन टू द ड्रीम ओके अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का दर्शक मित्रों विराम बाद अंतिम तब हानी बात प्रवीण जी साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है गरीबी एक क्राइटेरिया नहीं है कि गरीब आदमी नहीं पा सकता क्योंकि मेरे साथ ये सेलिब्रिटी है ये फिल्म स्टार है ये बिजनेसमैन है रियली मैं बता रहा हूं अगर ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स मूवी बहुत अच्छी मूवी थी विरम बात फरीक का स्वागत है अपनु कार्यक्रम अतिथिमा प्रवीण जी अंतिम पड़ाव है ये हमारे इस प्रोग्राम का एक सवाल आपको मैं पूछना चाह रहा हूं मुझे पता है कि आप खुले दिल से जवाब देने वाले हैं ऐसे व्यक्ति है आप स्पिरिचुअलिटी की बातें ज्यादातर देखा गया है कि सुखी संपन्न लोग जो होते हैं जिनके पास अच्छी व्यवस्थाएं है उनके धनोपार्जन की ये अर्थोपार्जन की जो सही में गरीब बहुत सारी तकलीफ है जो सतत कंटिन्यू सहता रहता है वो बेचारा इस बारे में सोच ही नहीं सकता तो क्या थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसमें जाने के लिए स्वस्थता जो मन की होनी चाहिए उसके बाद ही जाता है और आज ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने अलग अलग जगह में ऐसा फंसा हुआ है तो उस बेचारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए सूझता ही नहीं yes. आपका क्वेश्चन काफी हद तक ठीक है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूँ मीरा बाई रानी थी और वो ज्ञान लेने के लिए संत रैदास के पास जाती थी जो चमड़े का, का काम करते थे गरीब थे कबीरदास गरीब थे गरीबी गरीब एक क्राइटेरिया नहीं है कि गरीब आदमी नहीं पा सकता अगर संत ने पाया कबीरदास जी ने पाया सारे संघर्ष करने के बाद तो पाया जा सकता है अब जो शब्द आपने यूज किया था वही ब्यूटीफुल शब्द है कि मन की स्वस्थता मन की स्वस्थता और मन की बीमारी अमीर को भी मन की बीमारी हो सकती है और जिसके पास नहीं है उसके अंदर भी मन की स्वस्थता आ सकती है फिर भी हमारे स्पाइन में सात चक्र हैं उन सत सभी चक्रों में टेंडेंसीज हैं तो जो नीचे का फर्स्ट चक्र है बेस चक्र है मूल आधार उसकी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है तो सर्वाइवल इशू रहते हैं आज रात की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके लिए पूरी एनर्जीज उसकी उस चक्र पे सेंटर्ड हैं तो ज़्यादातर जो लोग जिनको आपने पहले यूज़ किया कि उनके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है या वो जिंदगी में संघर्ष में लगे हुए हैं वो अभी उनकी एनर्जी मूलाधार में जाना है दिस स्पाइन की एनर्जी उठ के ऊपर तब आती है तो होती है लेकिन अब जो अमीर लोग हैं या सो so कॉल्ड उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं है तो एटलीस्ट ये माना जाता है कि वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठ चुके हैं एक एक और सवाल ये भी पूछना है प्रवीण जी आपसे कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज या तो लाइफ कोच हैं वो कोच ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि सोसाइटी के जितने जाने माने लोग है वो मुझसे जुड़े है ऐसा दिखाकर अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं इनसे अलग हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सेलिब्रिटी है, है, है तो ये, 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 ये बेसिकली इनफैक्ट yes. अगर आप इल्यूजन को नहीं तोड़ना हुँ. चाहते तो वो आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं रियली मैं बता रहा हूं अगर ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स मूवी बहुत अच्छी मूवी थी फोर पार्ट में बनी फर्स्ट पार्ट में नियो सिंपल मैन था जस्ट ए कंपनी में स्टार्टिंग uh, एम्प्लॉय था सेक फोर्थ पार्ट में ही वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ दैट गेम वो इतना सक्सेसफुल था लेकिन दोनों ही मैट्रिक्स के हिस्से हैं पॉपुलर लाइफ कोच या बहुत बड़े गुरु अगर वो मैट्रिक्स को नहीं तोड़ना चाहते बेसिकली वो मैट्रिक्स तोड़ना नहीं चाहते मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ ये प्रोग्राम अगर अतिथि है और सच के लिए है तो सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए वो मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं उस मैट्रिक्स में उनका एक स्टेटस है वो स्टेटस वो कभी नहीं चाहते कि मैट्रिक्स टूटे मैट्रिक्स टूटने का मतलब क्या है कि हायरकिस खत्म हो जाए ऑल इक्वल हो जाए ये उनको सूट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली और ऐसा गुरु जिसको अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी और के सहारे की जरूरत हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है ओके okay. <laughs> प्रवीण जी ये कार्यक्रम की टैगलाइन है अंतरंग अतिथिमा यानी एक ऐसी चीज ऐसी बात जो शायद किसी को पता नहीं है या तो बहुत कम लोगों को पता है या तो आज तक बताई नहीं है और इस शो में आने वाले आप जैसे जितने भी अतिथि थे उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई मैं आपसे एक एक सवाल और इसी मामले में जीवन में सबसे ज्यादा एक हताशा आ गई हो जब सबसे ज्यादा प्रवीण जी टूट गए हो ऐसी कोई घटना और किस तरह से ऊपर आए और वो प्लीज आप खुल के बताइए अगर बताना चाहे तो प्लीज। आप लोगों ने सुना होगा शायद एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है भ्रघु सहिता की तरह उसमें एक पेपर होता है वो पेपर जब आप उसमें पूरा कंप्लीट भविष्य ऐसा कहते हैं कि आ जाता है मैंने उस एस्ट्रोलॉजी का वो मेरा पेपर बाई चांस मिल गया वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है लेकिन स्टोरी है लेकिन आज नहीं बताता टाइम कम है जब मुझे पेपर मिला तो उसमें ये लिखा था कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा फाइनेंशियल जब आप भीख मांगोगे और आपके रिलेटिव्स विश्वास नहीं करेंगे वो फेस था जब मैं अपना बैंक का सिक्योर जॉब छोड़ के जर्मनी चला गया फाइनेंशियल स्ट्रगल था और मेरी फैमिली के लोग सोचते थे कि वो जर्मनी में रहता है वेल सेटल्ड होगा और कुछ हमें सपोर्ट नहीं करता वो अविश्वास का दौर था हताशा का दौर था एक तो आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो इसके बाद कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा है ना इस तरह के लांछन या आरोप सुनने को मिलते थे और फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहा हूँ तो वो एक ऐसा दौर था दौर से कैसे उभरे उस समय तो लगता था कि ये दौर जल्दी से जल्दी खत्म हो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरी जिंदगी का वो सबसे बेस्ट पीरियड था अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता प्रवीण जी ऐसी कौन सी थी अंतिम सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी तीन चीज है जो प्रवीण जी आज भी चाहते कि ये मुझे इम्प्रोवाइज करनी चाहिए ये अभी तक इतने लाइफ जर्नी में अभी भी ये गलतियां मेरे जीवन में है ये तीन चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी भी इम्प्रोवाइज करनी है चाहिए एक तो मेरी बोलने की कला अच्छी नहीं है मैं बहुत शाही स्वभाव का था कम बोलता था मैं जो जानता हूँ उसको मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह और अच्छा बोल पाता जितना अच्छा आप इंटरव्यू ले रहे हो इतनी अच्छी अगर मेरे बोलने की कला होती तो मैं बहुत लोगों को ज़्यादा बता सकता एक मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत सारे काम मैं लास्ट मोमेंट तक तो छोड़ के रखता हूँ मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखना चाहिए तीसरी चीज मुझे लोग कहते हैं कि मुझे ना कहना सीखना चाहिए मैं लोगों को ना नहीं कह पाता लेकिन ये मैं नहीं बदलूंगा अभी भी मुझे ना मुझे लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊँ कि मुझे जिंदगी में कभी किसी को ना ना कहना पड़े थैंक यू सो मच प्रवीण जी बात करने थैंक यू थैंक यू वेरी मच दर्शक मित्रों आती खास बात प्रवीण भाटिया जी साथ પ્રવીણજી પોતે લાઈફ કોચ છે અને ગ્રેટ ના નામથી એમના અલગ અલગ હિન્દુસ્તાન અને વિશ્વમાં અલગ અલગ જગ્યાએ એમના કાર્યક્રમો થાય છે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર થેન્ક યુ થેન્ક થેન્ક યુ સર